हेलो एवरीवन आई रुकमनी जम वेलकम यू ऑल ऑन रेडियो क्लासेस सो क्लास एट आज हम लेसन फाइव पोलो द किंग ऑफ गेम्स करेंगे इस चैप्टर को मैंने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग्स एंड योर डायलग राइटिंग करेंगे जिसमें हम ग्लॉसरी करेंगे और डायलॉग राइटिंग और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स विद प्रीपोजिशन इसकी करेंगे और प्रपोजिशन जो कि ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने एडवर्ब्स किया था और अब हम प्रपोजिशन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पोलो के बारे में समझेंगे ये कैसी गेम है कहाँ से आई है इसका क्या कैसे खेली जाती है सो इसका ओरिजिन क्या है ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब पोलो द किंग ऑफ गेम्स चैप्टर रीड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ कि पोलो एक्चुअली होता क्या है पोलो इज़ अ हॉर्स बैक बॉल गेम मतलब ये घुड़सवारी जिसको आती है जो मास्टर है घुड़सवारी में स्किल्ड हॉर्स राइडिंग है और उसकी हॉर्स राइडिंग के साथ साथ उसमें आपको एक मैलेट एक स्टिक लेके बॉल को गोल करना होता है इसमें दो टीम्स होती हैं अपोजिंग टीम्स का होता है कि किस टीम को हराना है उसमें कितने स्किलफुल वो जो हॉर्स राइडर्स हैं और ये वो गेम कैसे खेली जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो पोलो जो है इज़ अ ट्रेडिशनल फील्ड स्पोर्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन टीम स्पोर्ट्स मतलब बहुत पुरानी गेम है ये गेम इज प्लेड बाय टू अपोजिंग टीम्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोरिंग यूजिंग लॉन्ग हैंडल्ड वुडन मैलेट टू हिट अ स्मॉल हार्ड बॉल थ्रू द अपोजिंग टीम गोल इसमें इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं पोलो पोनी हॉर्से पोनी मतलब हॉर्सेज मेलेट एक स्टिक लोंग बॉल प्रोटेक्टिव वेयर टीम मेंबर्स चाहिए और इसका वेन्यू क्या होता है जगह कहाँ पर खेली जाती है पोलो फील्ड और उसको कहा जाता है एरिना तो हम मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत सारी गेम्स हैं जो हम आम लोग खेलते हैं पच पर कुछ गेम्स सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा खेली जाती है और कुछ एरिया में खेली जाती है तो इन एडिशन दीज गेम्स आर प्लेड विद लिटिल वेरिएशन इन रूल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वही उनमें से एक गेम है पोलो तो ये जो पोलो है ये हॉर्स बैक पर खेली जाती है उसमें स्ट्राइक करना होता है बॉल को मैलेट से मैलेट को हाथ में पकड़ा होता है मैलेट मैंने ऑलरेडी बताया है लॉन्ग हैंडल्ड वुडन स्टिक जिससे जिसको कि बॉल को घुमाना पड़ता है स्ट्राइक करना पड़ता है और ये फास्ट और फ्यूरियस गेम है बहुत तेज़ी से खेली जाती है क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी घुड़सवारी होगी उतना तेज़ भागेगा और उतना तेज बॉल की तरफ लपकेगा गेम इज फेमसली कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स इसको किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में द किंग ऑफ गेम्स लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स क्या कहा है ये कहा है इसको किंग ऑफ गेम्स क्यों कहा गया है बिकॉज इट वॉज पेटर्नाइज बाई किंग्स एंड वॉज प्लेड विद ग्रेट जॉय बाई प्रिंसेज एंड वॉरियर्स टू टेस्ट दियर स्किल मतलब जो पेट्रोनाइज का मतलब होता है कि ये जो राजा लोग होते हैं ना ये मतलब थोड़ा सा इनमें सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो होता है कि हम राजा हैं हम बड़े हैं हम रॉयल हैं तो हमें रॉयल गेम ही खेलनी है आम लोगों वाली गेम नहीं खेलनी है तो पोलो वो रॉयल गेम है जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत मज़े के लिए खेलते हैं प्रिंस राजकुमार लोग और वो अपना वॉरियर टेस्ट करते हैं स्किल वॉरियर्स को टेस्ट करते हैं कि कितने ग्रेट वॉरियर हैं वो कितने मतलब परफेक्ट हैं अब ये जो ये वर्स इसलिए कहा है ये वर्स इंस्क्राइब हुआ लिखा गया है स्टोन टेबलेट बिसाइड अ पोलो ग्राउंड साउथ ऑफ द फेबल्ड सिल्क रूट फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट सम्स ऑफ द एंशियट हिस्ट्री ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इन द वर्ल्ड विद इट्स रिप्यूटेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मोर ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब पच्चीस सौ साल पहले ये इंस्क्राइब किया गया कि ये कि जो गेम है ये राजाओं की गेम है बेशक जो पोलो है वो रिफ्लेक्ट करती है क्वालिटीज़ दैट मेड द मंगोल होर्ड्स द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ हॉर्समैन इन द एनशियन वर्ल्ड मतलब ये मंगोल जो कि ग्रेटेस्ट हॉर्समैन थे एनशियट वर्ल्ड के मतलब घुड़सवारी उनकी सबसे अच्छी थी और उनको बोलते थे ग्रेट इक्वेस्ट्रियन स्किल्स कपल विद अ क्लियर आई एंड स्टाउट हार्ट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ पोलो प्लेयर मतलब पोलो प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट होती है पोलो प्लेयर को एक इक्वस्ट्रियन इक्वेस्ट्रियन ई क्यू यू ई एस टी आर आई ए एन मीन्स हॉर्स स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग जो घोड़े को अच्छी तरह कंट्रोल करे जो घोड़े को अच्छी तरह समझे उसके साथ बिल्कुल जेल हो जिसको पता चले कि घोड़े को इस समय हमें कैसे काबू में लाना है और उसकी जो नज़र है वो बहुत तेज़ और दिल दलेरी मतलब स्टाउट हार्ट मीन्स दिल बड़ा होना चाहिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं प्री रिक्वजाइट्स मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है ये चाहिए एक पोलो प्लेयर को तो पोलो जो है वो बॉर्न हुई सेंट्रल एशिया में पोलो वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया स्पेंड इट्स चाइल्ड हुड इन ईरान मतलब उसका जो बचपना मतलब ईरान ईरान में भी खेली जाती है और वो नॉर्द नॉर्दर्न एरियाज में खेली जाती है नॉर्दर्न एरियाज हो गए नॉर्थ दिशा में उत्तर दिशा में ये ज़्यादा खेली जाती है फ्रॉम द स्टेपीज स्टेपीज होते हैं ग्राउंड क्योंकि इसके लिए ग्राउंड चाहिए सेंट्रल एशिया के गेम धीरे धीरे क्या हो गया ये जापान तक फैल गई मतलब ऐसा हुआ कि ये इतनी फेमस हो गई गेम क्योंकि पुराने टाइम में क्या था घोड़ों पर सवारी होती थी और घोड़ों पर सवारी फिर घोड़ों पर रेस होती थी फिर उसके बाद ये गेम शुरू हुई और इसमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे घुड़सवार हैं हम कितना अच्छा घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं तो धीरे धीरे सेंट्रल एशिया से ये गेम कहाँ पहुँच गई जापान तक चाइना तिब्बत एंड इंडिया फिर इंडिया में भी पहुंची काफी टाइम तक ओफर द एजेस बहुत देर तक द एरिस्टोक्रेटिक गेम एरिस्टोक्रेटिक मीन्स द पीपल हु बिलोंग्स टू हाई क्लास एरिस्टोक्रेट हो गए बड़े बड़े लोग राजा महाराजा उनके मंत्री मतलब दे आर कंसिडर्ड एज एरिस्टोक्रेट्स ये गेम डिवेलप्ड हुई और प्रमोट हुई इक्वेस्टेरियन एंड मिलिट्री स्किल्स धीरे धीरे ये गेम को प्रमोट बढ़ावा मिला और फिर चेक हुआ मिलिट्री स्किल्स क्योंकि जब युद्ध होते थे वो घोड़ों पर होते थे अब हर फौजी को ये गेम खेलनी पड़ती जिससे कि उनकी प्रैक्टिस होती थी प्रैक्टिस होती थी घोड़े पे कैसे वो तेजी से चलते हैं कैसे उनकी नज़र निशाना जो है नजर पैनी नज़र है बॉल पर नज़र है मतलब कैसे दुश्मन पे नजर तेज क्योंकि उसको मिलिट्री स्किल्स में डाला जाता था कि वो कितना अच्छा पोलो प्लेयर है तो इसका मतलब वो अच्छा एक वॉरियर भी हो सकता है एंड वॉज रैंक नेक्स्ट टू बेटल इट्सल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द प्राउनेस ऑफ प्रिंसेस एंड वॉरियर्स क्या कहा क्या कहते हैं कि ये रैंक डाल दिया कि मतलब जिसको पोलो गेम आया है इसका मतलब वो प्राउनेस मतलब प्राउडनेस क्या होता है एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड यानी कि प्राउनेस हो गया एक्सपर्ट मतलब कितना एक्सपर्ट है वो ग्रेट वॉरियर में मतलब वो क्या राजकुमार बनने के काबिल है अगर उसको पोलो गेम आती है मतलब पोलो गेम से ही हम उसका अंदाजा लगाते थे कि वो कितना टैलेंटेड है कितना स्किल्ड है कितना उसको आता है कितनी उसने शिक्षा ली है इस चीज़ में तो वॉरियर के लिए एक मिलिट्री के लिए तब जो युद्ध होते थे वो घोड़ों पर होते थे अगर वो स्किल्ड राइडर है तो इसका मतलब वो अच्छा राजकुमार बन सकता है मतलब अपने जो देश को वो अच्छी तरह चला सकता है और अच्छा युद्ध में माहिर हो सकता है पेटरनाइज बाइकिंग्स मतलब ये किंग ये जो गेम थी ये किंग की शान थी एंड द हॉर्स्ड कैलरी और मतलब कितने वो सोल्जर्स कितने माहिर हैं घुड़सवारी में इट वॉज प्लेड बाय द लाइक्स ऑफ डेरियस जिंगस खान एंड अलेगजेंडर द ग्रेट मतलब ये गेम डेरियस जिंगस खान ने अलेगजेंडर ग्रेट ने खेली है और इंडिया में पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन मिडीवल टाइम्स मिडीवल टाइम में इंडिया में खेली गई एज इज़ एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन एबिक आपको पता होगा सुल्तान कुतुबुद्दीन एबिक वेरी पर्सनालिटी जिसने कि कुतुब मीनार बनाया आपको यह भी नॉलेज हुई होगी कि कुतहु बिल्ट कुतुब मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन एबिक और इनकी जो डेथ है वो पोलो खेलते हुई हुई थी लाहौर में मतलब इट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट मतलब बुरा एक्सीडेंट हुआ जब वो पोलो खेल रहे थे लाहौर में और वो घुड़सवारी करते करते वहाँ से गिर गए मतलब क्योंकि ये हार नहीं मानते थे जब हम गेम खेलनी है तो ये बहुत पैशन से खेली जाती थी बड़े दिलचस्पी से खेली जाती थी और कुतुब सुल्तान कुतुबद्दीन एबिक खेलते खेलते वो इतने इन्वॉल्व हो गए गेम में कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और वो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ प्लेइंग इन लाहौर अंडर द मुगल्स पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी as you know it, the game started from mongol And slowly, slowly it reaches to India. And medieval time was the time of Mughals. Or Mughals ka ye game tha, national sport tha. At that time in the medieval India, this polo game is the national sport of India. Or jab tak until the end of the sixteenth century, or sixteenth century tak ye raha, during the period polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of empire and in the courts of the rajput kings means already i told you this was a king a game of kings and kings usually played nobles means the people who belongs to the aristocrat families and they they were they involved in this play and rajputs also rajput kings not the normal man not the common man up in the unsettled times of 18th century polo almost vanished from the Indian scene and you know 18th century आपको पता है 18th century जब हमारे आपको पता है 18th century में अंग्रेज हमारे इंडिया में पहुँच चुके थे और in the end of the 18th century अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बना ली थी बना दी थी और उनका मेन आपने सुना होगा अगर आपको याद होगा उन्होंने कुछ सिस्टम्स अपने चलाए सिस्टम्स कैसे सिस्टम्स चलाए सिस्टम्स जैसे कि उन्होंने चलाया अलाइंस सिस्टम जैसे कि उन्होंने सिस्टम uh, चलाया अपना uh, ये सिस्टम uh, बहुत सारे सिस्टम चलाए जिसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स चलाया अलाइंस uh, सिस्टम चलाया जिसमें उन्होंने छोटी छोटी स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ जो किंग्स थे वर नॉट गिवन द राइट्स दे के नॉट इन्जॉय देअर लाइफ फुली तो धीरे धीरे जो अब वो अपनी जिंदगी भी अच्छी तरह नहीं जी पाते थे तो वो गेम की तो बात छोड़िए तो धीरे धीरे गेम जो है पोलो है वो इंडिया में वैनिश होना शुरू हो गई हाउ एवर इट सर्वाइव्ड इन अ फ्यू कुछ माउंटेनियस एंड क्लेव्स में रह गई जो माउंटेनियस रीजन्स इंडिया के हैं जैसे सब कॉन्टिनेंट रीजन जैसे कि गिलगिट जो कि लद्दाख में लद्दाख मनीपुर यहाँ पर पोलो रह गई बाकी जगह पर पोलो खत्म हो गई पोलो हैज बिन फॉर सेंचुरी अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ द रग्ड माउंटेन वैलीज ऑफ द कराकोरम रेंज मतलब लद्दाख में कराकोरम रेंज आती है हमारी लद्दाख में तो इस एरिया में पोलो गेम रह गई पर्टिकुलर इन द रिमोट एंड इनएक्सेसिबल हिमालयन रीजन्स ऑफ गिलगेट हंजा स्कार्डू एंड खापालू इन बाल्टिस्तान एंड लद्दाख अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स पोलो गेम ट्रल लद्दाख पहले जो है पोलो गेम इट केम इन सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नेबरिंग बाल्टिस्थान ये भी रीजन है क्यों नेबरिंग बाल्टिस्थान जो था वहां से पोलो लद्दाख में आई इंडिया में मतलब लद्दाख हमारा इंडिया का पार्ट है क्योंकि ये जो वीअर फॉर सेंचुरीज इट यूज तो इट टू बी द तो चीफ अम्यूजमेंट अब हिस्टोरियंस डेट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलो इन फुर् लद्दाख टू किंग जामियांग नामग्याल रेन नामग्याल्स के रेन में उसके दौरान ये गेम आई सोलह सेंचुरी में क्योंकि उन्होंने शादी की ग्याल खातून से जो कि बाल्टिस्तान की प्रिंसेस थी राजकुमारी थी तो बाकी कहते हैं कि अदर से दैट इट वाज ब्रॉट बाय द कॉलोनी कुछ लोग कहते हैं कि बाल्टीज भी हमारे ये जो लद्दाख में सेटल होने आए तो वहाँ पर उनकी वजह से ये गेम आई वो सेटल्ड हुए हॉट में चुस हॉट में चुस हॉट गॉट इट्स ओन पोलो ग्राउंड वे आर एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च पोलो इज़ प्लेड टू सेलिब्रेट नावरोज आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है ना रोज तो यहाँ पर चुस हॉट में पोलो ग्राउंड में हर इक्कीस मार्च को ये गेम खेली जाती है ताकि वो नवरोज़ को सेलिब्रेट कर सकें पोलो इन लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच पोलो जो लद्दाख में वो अमीरों के लिए नहीं है सिर्फ हर विलेज का आदमी ये गेम खेलता है कॉल्ड शागरन एंड इट इज़ प्लेड विद वर्ब इन प्लेसेस प्लेसिस ले स्पेशली दरास में खेली जाती है चसहट में खेली जाती है और, और ए बिग विलेज क्लोज टू ले ये जो चसहुट और दरास हैं ये ले में बहुत बड़े बड़े गांव हैं फिर कहते हैं सैनिक नामग्याल द किंग ऑफ लद्दाख लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मुड से गार्डन बिलो ले इन द सेवेंटीन सेंचुरी सतारवीं शताब्दी में ये गेम वहां पर खेली गई द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन ले इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी आजकल जो लद्दाख है पोलो इज मोर देन अ गेम पोलो को ज्यादा मान्यता देते हैं गेम से भी बढ़कर उसको मानते हैं उसको कल्चरल हेरिटेज मतलब पूर्वजों का मतलब एक विरासत में मिली हुई निशानी को माना जाता है इट इज़ कंसिडर्ड एज द कल्चरल हेरिटेज द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स विद पीपल डोनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स अब डोनिंग मीन्स ऑन जो ये हैं गेम जो है ये क्या करती है बहुत सारा क्राउड आता है इस गेम को देखने लोग अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और वो सोचते हैं कि ये हम मतलब उसको पूजनीय माना गया है इस गेम को तो लद्दाख पोलो Fast एंड फ्यूरियस लद्दाख में पोलो बड़ी तेज़ी से खेली जाती है और इज़ अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस मतलब आदमी का जो एबिलिटी है हैंडल करने की डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ एबिलिटी इट्स अ स्किल कि कैसे घोड़े पर बैठकर आपने बॉल पर भी ध्यान रखना है अपने हाथ में घोड़े की लगाम को भी ध्यान में रखना है कि ही हम घिर ना जाए आपने दूसरे हाथ से बॉल को भी हैंडल करना है और ये भी सोचना है कि हमने कैसे गोल करना है कैसे दूसरे टीम को हराना है मीन्स ऑल द थिंग्स कम टुगेदर हमने मतलब ये एक सिचुएशन यानी हमारी लाइफ में भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है कि उनको कैसे हैंडल करना है तो ये पोलो को उसके साथ जोड़ा गया तो पोलो जो टेस्ट है वो ह्यूमन एंड्योरेंस का है स्किल्स का है घोड़े की स्ट्रेंथ अब इंसान के साथ साथ घोड़े को भी वैसा होना पड़ेगा टू प्ले कंटिन्यूसली अनलाइ मॉडर्न पोलो आजकल की जो मॉडर्न पोलो है उसके हिसाब से नहीं खेलते हैं लद्दाख में क्योंकि आजकल पॉज दिया जाता है रेस्ट दी जाती है उसके जो है मतलब उसको ध्यान दिखा जाता है कहीं उसको लग ना जाए अगर वहाँ लग गई थोड़ी उसको मेडिकेशन के लिए ले जाया जाता है लेकिन यहाँ पर पैशनेट होते हैं जो लद्दाख में जो पोलो एक्चुअली में खेलते हैं उनको पहले जो पुरानी पोलो गेम थी वहाँ पर कुछ भी हो जाए कि हमें जीतना है वो ये नहीं सोचते कि कैसा चल रहा है गेम क्या कर रहे हैं द मैचिज आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद मैच खेले जाते हैं लद्दाख पोलो डिफर्स फ्राम दिस करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज ड्यूरेशन अब यहाँ डिफरेंस बताया है कि लद्दाख की पोलो और जो इंटरनेशनल पोलो है उसमें क्या डिफरेंस है टाइम की कितना डिफरेंस है यहाँ पर क्या होता है ईच टीम कंसिस्ट ऑफ सिक्स प्लेयर्स छः प्लेयर्स की टीम होती है एंड द गेम लास्ट फॉर एन आर एक घंटे की गेम चलती है विद अ मिनट ब्रेक आप सोचो सिक्सटी मिनट्स में सिर्फ टेन मिनट्स की ब्रेक और बाकी टाइम में आपको घोड़े के साथ रहना है बॉल के साथ रहना और अपने सिर्फ जीत की तरफ देखना है लद्दाख पोलो हैज टू राउंड ऑफ ट्वेंटी मिनट्स ईच फ्यू रिस्ट्रेंट्स एंड रफ राइडिंग रेमिनिट ऑफ द मंगोल हॉर्समैन लद्दाख में पोलो 20 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली बीच में रिस्ट्रेंट थोड़ा सा टाइम दिया जाता है और रफ राइडिंग होती है वहाँ कोई सोचा नहीं जाता है किसको लगी है किसको नहीं लगी है बिल्कुल संभल के नहीं खेलना है अल द सिस्टम ऑफ चुकर शॉर्ट पीरियड ऑफ सिक्स टू एट मिनट्स इंटू विच द मैच इज डिवाइडेड विद द चेंज ऑफ माउंट हेयर द गेम इज प्लेड अंटिल इधर ऑफ द टीम स्कोर नाइन गोल्स द मोस्ट अनफेमर फीचर इज आफ्टर अ गोल वेन बोथ द एंड चेंज ऑटोमेटिकली जो स्कोरर है गेट्स द प्रिविलेज टू पैच अप द बॉल ही एट अ फुल गैलप विद द बॉल एंड स्टिकल मिड वे पॉइंट देन अप द द बॉल एंड शूट्स विद अ क्लीन स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्ले गेम्स मतलब कैसे गेम्स खेली जाती है जो स्कोल करता है उसी को प्रिविलेज मिलता है बॉल का बॉल को फेंका जाता है वो बॉल गोल करता है तो इस तरह मतलब मिडवे पे पहुंचता है मतलब कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि पूरी इन्होंने ये करके बताया कि कैसे गेम खेली जाती है नो पोलो मैच इन लद्दाख इज़ कंप्लीट विदाउट इट्स म्यूजिकल ए कंपनीमेंट ऑफ सुरना एंड दमन मतलब क्या होता है जब ये पोलो गेम लद्दाख में खेली जाती है उसके साथ बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस गेम मतलब हम हाँ जैसे कोई राजा महाराजा आता है तो हम खूब उसका स्वागत करने के लिए बैंड बाजे बजाते हैं उसी तरह इस गेम को जब वहाँ खेला जाता है तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट उनके जो रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं सुरना और दमन उसके साथ उसका स्वागत किया जाता है सो so, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को मान्यता देते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों को मान्यता देते हैं और एक रिस्पेक्ट देते हैं ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं एट द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूजिक इज स्ट्रक मतलब जब बिगिन होता है खूब ये म्यूज़िक बजता है जब ख़त्म होता है और जब हर एक गोल पड़ता है तो ये म्यूज़िक जो है स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल एक एक यू कैन से कि आप में एक जोश भर जाता है कि व्हेन म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग आप में एक जोश आता है येस yes, जो भी टीम के जो साइडर्स होते हैं जैसे कि ए टीम का ए टीम के लोग के साइड लेने वाले हैं बी टीम के बीच एंड दे हैव लॉट ऑफ एंथुजियाजम एंथुजियाजम होता है जोश फुल ऑफ एंथुजियाजम तो वो उनमें भर जाता है जिससे कि गेम का मजा हो जाता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द म्यूजिक वेरीज एकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून ऑफ द गेम और वो जो म्यूज़िक है वो भी वेरी करता है वो डिफरेंट डिफरेंट uh, 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 उस पर तान पर बचता है कभी ऊँची तान कभी नीचे उससे पता चलता है कि गेम कौन जीत रहा है कौन द गेम एसटिंग इन टू टेम्पो एंड इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एट द स्कोरिंग ऑफ अ गोल लाइक like, लाइक like, वो धीरे धीरे बजता है अगर गोल पड़ा एकदम शाउटिडली मतलब लाउडली दैट म्यूजिक द प्ले दे प्ले द म्यूजिक लाउडली इट मीन्स समथिंग हैपन जैसे आप मैच देखते हो जब आप क्रिकेट मैच देखते हो जैसे ही सिक्सर पड़ता है तो सारे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो देख रहे हैं मैच जोर जोर से तालियां हूटिंग बजाना शुरू करते हैं और पॉम्प गर्ल्स डांस करना शुरू कर देती हैं और म्यूजिक लाउडली होता है और जब आउट होता है हो लेकिन दूसरी टीम के लिए बचाया जाता है और वो लाउडली शुरू हो जाते हैं मतलब आप उस जब आप अगर आप देख भी नहीं रहे हो आप अगर आपके कानों में म्यूज़िक पड़ रहा है तो आपको उस म्यूज़िक से पता चल जाता है कि ये जो गेम है वो किस की तरफ जा रही है किसके रुख की तरफ हो रही है क्या हो रहा है विद द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक यू कैन अंडरस्टैंड सिनेरियो ऑफ द गेम उस गेम का सीन को आप समझ जाते हो सो एग्जीबिशन एंड टूर्नामेंट मैचेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली सिंस द नाइनटीन टू रिवाइव एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द गेम क्या है मतलब पोलो गेम्स बिकॉज पोलो गेम धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है अब उसको सेव करने के लिए उसको बचाने के लिए नाइनटी मतलब 1970 से इसको रिवाइव करने के लिए जिंदा करने के लिए हमें इस गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है इट नाउ फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनूअल लद्दाख फेस्टिवल अब जब लद्दाख का फेस्टिवल होता है आपने सुना होगा लद्दाख फेस्टिवल जब होता है उसमें पोलो गेम को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि ये गेम रिवाइव करे ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए ये सिर्फ किताबों में ना रह जाए सबको पता हो ये गेम क्या है अब आपने ये चैप्टर पढ़ा आपको पता चला कि बिकॉज आजकल के टाइम में हर कोई गेम लवर है हर कोई गेम को वॉच करता है अभी रिसेंटली आपके ओलंपिक्स हुई और आपने जब देखा कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स सिल्वर मेडल्स ब्रॉन्ज जीते एंड यू पीपल वर सो हैप्पी मतलब आपने देखा कि उनको स्टार से भी ज़्यादा मतलब आप जो फिल्म स्टार की तरफ जाते थे अब लोगों की सोच में बदल के अब आप फिल्म स्टार को छोड़ के दे बिकम योर स्टार्स कैसे आपने वो जो जैवलिन थ्रो के जो हीरो बने हमारे उनको कैसे आपने वेलकम किया इंडिया में कैसे जो ब्रॉन्ज मेडल जीते उनको वेलकम किया तो दिस शोज़ दैट वी आर गिविंग इम्पॉर्टेंस टू तो स्पोर्ट्स एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू तो ज्वाइन आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आजकल क्रिकेट की तरफ आकर्षित हैं फुटबॉल की तरफ आकर्षित हैं हॉकी की तरफ आकर्षित हैं इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जब जीता हॉकी में तो एवरीबडी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट टूवर्ड्स हॉकी तो यानी कि हमारा गेम्स के साथ जिससे क्या होता है एक तो हमारी बॉडी फिट रहती है दूसरा हमें अपने स्किल्स के बारे में पता चलता है और हमारा जो टाइम है वो जो टाइम हम डाइवर्ट करते हैं दैट बिकम्स आर क्वालिटी टाइम क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है हमारा फ़ोन्स इंटरनेट ये इसमें हम बिजी रहते हैं वीडियो गेम्स ये जो ऑनलाइन गेम्स तो उससे हटकर जब हम अपनी फिजिकल ग्रोथ की तरफ देखते हैं तो गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दे कीप्स अस हेल्दी फिट टीम स्पिरिट बनी रहती है तो इसीलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जो गेम्स हैं उसमें आपको कितने स्किल्स मिलते हैं सीखने को उसमें स्ट्रेंथ आती है आपकी एंड्योरेंस आती है एंड्योरेंस होती है कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं तो अब हम ये सारी चीज़ें किसके द्वारा सीखते हैं गेम के तो अब कोई भी गेम का जो ऑरिजिनेशन कैसे होता है फिर वो उसकी पॉलिशिंग होती है फिर धीरे धीरे हम उसको सेफली uh, भी खेलना चाहते हैं कि किसी को हर्ट ना हो तो कैसे इसकी ये जो लाइफ है पोलो की कैसे बिगन हुई और कैसे इसने ग्रो किया और बाद में थोड़ा सा एंड भी हुआ लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कि ये गेम रिवाइव करें और ज़िंदा रहे ताकि लोगों को पता चले पोलो क्या है आप सबसे पहले है ग्लॉसरी अब जैसे इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू अंडरलाइन फर्स्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर टू थ्री टाइम्स जब तक आप रीड नहीं करेंगे बेटा आपको समझ नहीं आएगा आपने रीड करना है फिर ग्लॉसरी में जाके जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं लाइक like यहाँ पर आपके वर्ड्स दिए हैं मेलेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया लॉन्ग स्टिक विद अ हेड लाइक द हेड ऑफ अ हैमर यूज टू स्ट्राइक द बॉल इन पोलो बॉल को पोलो में स्ट्राइक करने के लिए फिर आई आई मीन्स येस नॉइज मीन्स नो इंस्क्राइब मीन्स किसी के ऊपर लिखना मतलब एनग्रेव करके मतलब जोर ज़ोर से लिख के हम उस पर मतलब नकाशी टाइप करते हैं ना दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन होर्ड होर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल इक्वेस्ट्रियन मीन्स रिलेटेड टू हॉर्स एंड हॉर्स राइडिंग स्टाउट क्या होता है स्ट्रांगली बिल्ट मतलब स्ट्राउट हार्ट जिसका मतलब स्ट्रांगली बिल्ट हार्ट होता है जिसका प्री रिक्व रिक्विट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टेपे स्टेपे मीनस अ प्लेन हैविंग फ्यू ट्रीज जो कि यूरोप uh, में है एशिया uh, में स्टेपीज हैं फिर पेटरनाइज टू स्पीक और बिहेव टूवर्ड समन एज इफ दे आर स्टूपिड और नॉट इम्पॉर्टेंट कैवलरी द पार्ट ऑफ एन आर्मी अकििन मतलब सिमिलर एनक्लेव पार्ट ऑफ कंट्री इंटायरली सराउंडेड बाई फॉरिन टेरेटरी फिर है रग्ड रग्ड का मतलब होता है अन ईवन सरफेस लेजेंड लेजेंड का मतलब अ पॉपुलर स्टोरी हैंडल डाउन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स एंड नॉन नेसेसरली ट्रू रेन रेन मीन्स रूल करना वर्ग मीन्स ग्रेट एनर्जी हेरिटेज क्या होता है एनीथिंग डैट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जेनरेन बाय ट्रेडिशन Don, dawn ka matlab, to put on a piece of clothing. Scarcely means only just or almost not. Adapt, adapt matlab, to change something to suit different conditions or uses. Restraint, the ability to control or moderate one's impulses. Reminiscent, making you remember a particular person, event, or thing. Furious, matlab, violent. Amend means to alter. Privilege means a special right or benefit.

तो ये आपकी क्लॉसरी थी जिसमें वर्ड मीनिंग्स थे बेटा वर्ड मीनिंग्स को और आसान करने के लिए आप अपने गूगल का यूज़ कर सकते हो गूगल से मीनिंग हिंदी में भी पूछ सकते हो इंग्लिश में भी पूछ सकते हो और कोशिश करोगे इन वर्ड्स को अपनी कॉपी पे लिखोगे और इनको में सेंटेंस बनाएंगे इनके सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे ताकि आपकी वोकेबलरी में ये वर्ड्स ऐड होंगे आपको पता है हम हमारा जो है लिटरेचर पढ़ने का मकसद क्या होता है टू लर्न इंग्लिश टू इंक्रीज़ आवर वोकेबलरी वोकेब मींस वर्ड्स न्यू न्यू टू लर्न pronunciation. Pronunciation मीन्स बोलने का ढंग अगर हमें बोलने का ढंग नहीं आएगा तो हम कैसे बोल सकते हैं हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं हर भाषा का अपना अलग अलग बोलने का तरीका है और ये बोलने का तरीका आपने ट्राई करना है सीखना है नहीं हो आप गूगल क्या भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर आप गूगल में डाल के लिख सकते हो प्रनंसिएशन जिसे कि आप वर्ड कैसे बोला जाता है आप वो सीखोगे क्योंकि अब हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं हम सब टेक्निक्स का यूज करके अपनी जो वोकेबलरी अपनी जो ये जो हमारी नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं आई होप दिस चैप्टर इज अंडरस्टूड बाय यू पोलो द किंग ऑफ गेम्स इट इज़ होली सोली बेस्ड ऑन अ गेम दैट इज़ अ पोलो और पोलो कहाँ ओरिजिनेट हुई कहाँ से सेंट्रल एशिया से आई वहाँ पैदा हुई और ईरान में उसका चाइल्डहुड हुआ फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में आई और कैसे वो धीरे धीरे पहुँच कर कहाँ से धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में पैदा हुई और कैसे हमारे हिंदुस्तान में पहुँची और हिंदुस्तान में कौन कौन से एरिया में ये रह गई और कहाँ पर अब ये खेली जाती है तो आई होप दिस चैप्टर इज़ अंडरस्टूड थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे